Hey, my name is Ivan and my department is BS Chemistry. Today my presentation topic is introduction to NIPE. What is NIPE? NIPE क्या है? ये हमारे पास एक short medical python की form है. ये एक powerful tool है जिसको हमने medical computing के लिए हम use करते हैं. और इसमें हमारे पास large तरह के multi-dimensional arrays, matrix और recollections और mathematical functions use करते हैं other operations के लिए. और NIPE एक widely used data science, scientific computing और machine learning source है. और सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंट अरे हैंडलिंग की. NIPE में ऑप्टिमाइज सी कोड होता है जो कि फास्ट होता है, और इसमें अरे ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं और ये फास्टर होता है. और ये स्टैंड पाइथन लिस्टिंग में यूज़ होता है. इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल्स की. इसमें मिलियंस ऑफ नंबर्स की लिस्टिंग करते हैं. और NIPE सिग्निफिकेंटली फास्टर होता है. मल्टी डिमेंशन अरेज इसमें अनलाइक लिस्ट होती है. उसमें हमें इसमें क्रिएट करते हैं मैन्यूपलेट अरेज, मैन्यूपलेट डिमेंशंस, 2D 3D वे वॉल्यूम्स, और इसमें कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स में इमेजेस, साइंटिस्ट डाटा एंड मोर सोर्सेज यूज़ करते हैं. थर्ड की बात करें तो ब्रॉड अरे ऑपरेशंस. ये रिच ऑपरेशंस एंड रिच सेट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं. इसको हम डायरेक्टली अरे कर सकते हैं. इसमें हम एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस करते हैं, लीनियर अलजेब्रा, रैंडम नंबर जनरेशन एंड मैनी मोर. इंटीग्रेशन विद अदर लाइब्रेरीज में हम जो है NIPE सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ मैनी अदर पॉपुलर साइंटिस्ट पाइथन लाइब्रेरीज, पैनडा, स्क्रिप्ट लाइनिंग, मेटाप्लॉट. हम इसमें सिलमेनलेस इंटीग्रेशंस, ईजी फ्लो डाटा बिटवीन दीज लाइब्रेरी फॉर कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस. बेनिफिट ऑफ यूजिंग NIPE के क्या क्या बेनिफिट है? स्पीड एंड एफिशिएंसी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में इसकी हायर स्पीड होती है. और ये इसको हम हैंडल लार्ज डेटाबेस सेट के तौर पे कर सकते हैं. कन्वीनियंस एंड रीडेबिलिटीज में अरे ओरिएंटेड डिजाइनिंग्स सिंपलीफाइज होते हैं, और इसमें ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. इसमें इम्प्रूव करते हैं कोडिंग को, और इसमें क्लैरिटी आती है. पावरफुल इकोसिस्टम. इंटीग्रेशंस में हम बहुत सारी लाइब्रेरीज एक्सपेंड करते हैं एनालिसिस के लिए, विजुलाइजेशन और कैपेबिलिटीज़ के लिए. अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो बेनिफिट ऑफ यूजिंग NIPE, स्पीड एंड एफिशिएंसी जो है इसमें, ये भी वही है कि इसमें जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. इसको हैंडल हम लार्ज स्केल पे कर सकते हैं डाटा सेट्स के जो इफेक्टिवली इसमें NIPE में यूज़ करते हैं. इसमें ओरिएंटेड डाटा होता है, इम्प्रूविंग होती है कोडिंग की, क्लैरिटी आती है कोडिंग में. और इसमें पावरफुल इकोसिस्टम मतलब कि हम इसमें जो है एनालिसिस करते हैं, एक्सपेंड करते हैं डाटाज को, विजुलाइज करते हैं, और इसमें इंटीग्रेशन करते हैं अदर लाइब्रेरीज में कि हमारा जो है वो पावरफुल इकोसिस्टम हो सके. अब साइंटिफिक कंप्यूटिंग की बात करें तो जो है हमारे पास न्यूमेरिकल स्टिमुलेशंस. इसमें हम डिफरेंट तरह की इक्वेशंस को परफॉर्म करते हैं, मॉडल्स, फिजिकल सिस्टम, अरेस बेस कैलकुलेशंस. अब इमेज प्रोसेसिंग में हमारे पास मैन्यूपलेट होता है 2D NIPE अरेज, ट्रांसफॉर्म होती है इमेजेस में, फिल्टरिंग, डिटेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन. सिग्नल प्रोसेसिंग में हमारे पास होता है कि सिग्नल सेंसर रीडिंग, फंक्शनल डेटा अरेज, बेस ऑपरेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह. फाइनेंस में हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग मॉडल्स, NIPE ऑपरेशंस, फाइनेंशियल फंक्शन वगैरह यूज़ करते हैं. हम एनालाइज करते हैं डाटा, उसमें रिस्क लेते हैं कैलकुलेशंस में, ताकि हम क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग मॉडल्स को यूज़ करें NIPE में. फिजिकल एंड इंजीनियरिंग में हम जो है परफॉर्म करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को, मैथमेटिकल एंड मैनिपुलेशन कैपेबिलिटीज पे NIPE के डाटा को एनालाइज करवाते हैं. वेब डेवलपमेंट की बात करें तो
ये भी एक न्यूमेरिकल प्रोसेस है जो इसमें जो इसके एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट तरह के, इसमें कैलकुलेशन, सर्वर साइड, क्रिएट इंटरेक्टिव डेटा विजुलाइजेशन यूजिंग द आईफी, हेल्थ केयर एनालिसिस। ये भी पहले जो हमने बात की थी ये भी वही है कि जो हेल्थ केयर एनालिसिस है इसमें हम पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स और मेडिकेशन का डाटा को एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट करते हैं। और जो है हम पेशेंट के डियोग्राफिक स्टडी, डिजीज़ पैटर्न्स को टारगेट थेरेपीज के जरिए सही करते हैं। मार्केट रिसर्च की बात करें तो ये हमारे पास सर्वे डाटा है, इसमें इंफॉर्मेशन टू सेगमेंट मार्केटिंग अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंसेस होते हैं, मर्ज प्रोडक्ट रिव्यूज विद प्रोडक्ट फीचर्स, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस फॉर इम्प्रूवमेंट। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास है एप्लीकेशन में आता है फाइनेंस, फाइनेंस में हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, मार्केट एनालिसिस, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, हेल्थ केयर में हम मेडिकल डायग्नोसिस, ड्रग डिलीवरी पर्सनलाइज मेडिसिन, पेशेंट बिहेवियर एनालिसिस। मार्केटिंग की बात करें तो कस्टमर सेगमेंटेशन, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, सेंटीमेंट एनालिसिस। रिटेल की बात करें तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सोशल मीडिया की बात करें तो ओपिनियन माइनिंग, कम्युनिटी डिटेक्शन, ट्रेंड एनालिसिस एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इसकी बात करें तो ये हमारे पास नाइफी एक पावरफुल लाइब्रेरी है जिसमें हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करते हैं, मल्टी डायमेंशन अरेज होते हैं 2D 3D, और इसमें ऑपरेशंस करते हैं, कोडिंग करते हैं, और ये डेटा साइंस जैसे कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और सर्वे वगैरह फाउंडेशन लाइब्रेरीज, और ताकि हम अपने पाइथन इकोसिस्टम